Dua Jago. प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। बना लेने उसको, बनाने के लिए किसने बोला है? अरे कल बना दो तो आज बना ले, उनके बाप का देश है। आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत त्याग। राष्ट्रवाद ने देश से बढ़कर कुछ नहीं, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की ललकार तेज कर दी। नागपुर पुलिस से क्लीन चिट मिलने के बाद बाबा के तेवर और तीखे हो चुके हैं। बाबा के इस हिंदू राष्ट्र की मांग को कई हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़े हो गए। हिंदुत्व के एजेंडे पर इतनी लामबंदी को देखकर एक वर्ग परेशान भी है, जिसमें कट्टरपंथी लोग भी शामिल हैं। ये वो लोग जिन्हें मुगल राज से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सनातन के प्रचार से अपने धर्म पर संकट दिखता है, जो कि है नहीं। बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान के बाद कट्टरपंथी मौलाना में से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तौकीर रजा सामने आए और फिर सामने आए शाहबुद्दीन रिजवी, और अब इसमें जमात में शामिल हो गए हैं। रजा अकादमी के मौलाना खलील उर रहमान का क्या कहना है, वो बयान सुनाऊंगा। साथ ही साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने उत्तराखंड से एक वीडियो जारी किया, क्या कहा वो भी जरा सुनिए। बना लेने उसको, बनाने के लिए किसने बोला है? अरे कल बना दो तो आज बना ले, उनके बाप का देश है, जब चाहे बना ले। उसको बनाने के लिए रोका है, बहुत सारे बोलते हैं आरएसएस के लोग, उसकी तैयारी चल रही, बना ले। हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या उनको परेशानी है? कल बनाते हैं, आज हुकूमत उनकी है ना, मेजोरिटी उनकी है, कई स्टेट में उनकी हुकूमत है, पार्लियामेंट उनका है, जब चाहे बना ले। सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं, बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो दोनों बात आपने सुन ली। एक पक्ष का कहना है कि उनके बाप की सरकार है, जो चाहे कर लें, तो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इन्हीं बयानों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज जो राष्ट्रवाद के सवाल हैं, सबसे पहले वो सवाल आपके सामने दोहरा देता हूं। पहला सवाल, बागेश्वर धाम सरकार से मौलाना आग बबूला क्यों है, ये आज राष्ट्रवाद में सवाल पूछा जाएगा। दूसरा सवाल ये कि बाबा बागेश्वर का उग्र अवतार मौलानाओं में इसलिए क्या हाहाकार है। सवाल ये भी कि मौलानाओं के ऐसे बयान देने का मकसद आखिरकार क्या है। सवाल ये भी कि क्या मौलाना लोकतंत्र को ढाल बना करके नफरत फैलाना चाहते हैं। इन्हीं सवालों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका सबसे पहले परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जबरुल कादरी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और संजीव उनियाल जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषक हैं। इसके अलावा हमारे साथ सूरजपाल अम्मो जुड़ चुके हैं करणी सेना से। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज धर्माचार्य हैं। हमारे साथ करीमुल्ला हाफिज, वो ये कहा है कि जो इन्होंने कहा कि आओ मेरे साथ दो, हम इसको राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके ऊपर मौलाना खलीलुर रहमान ने कोई इतनी भयानक और दिलशोज बात नहीं कही। उन्होंने ये कहा कि आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाइए, सब कुछ आपका है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका, सब कुछ है। और उन्होंने ये जबरुल कादरी शब्द ये नहीं थे मौलाना, मैं आ रहा हूं मेरे भाई, उन्होंने ये कहा कि मुल्क किसी उनके बाप किसी के बाप का नहीं है, मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ना वो मुसलमानों का है, ना हिंदुओं का, ना सिखों का, ना ईसाइयों का, सबको मिलाकर के हम सबका मुल्क है। जबान ये भी नहीं थी सब मुल्क उनकी जबान, जबरुल कादरी ये भी नहीं थी उनकी जबान। चर्चा से पहले आपको इसलिए बयान सुनाया था ताकि उसको लेकर के कोई गलतफहमी को खुशामद किसी के ज़हन में ना हो। आने से पहले भी देखा था, ऐसा नहीं है मैंने देखा उसमें कोई इतनी जितनी बापा जितनी ये बाबा जो भयंकर बात कह रहे हैं, होश में आ जाओ, ये आ जाओ, इनका बयान किसी को नहीं दिखता। एक मौलाना साहब ने अगर कह दिया कि मुल्क किसी के बाप का नहीं है, उसमें कोई आपत्ति ऐसी नहीं है, लेकिन जो बाबा कह रहे हैं होश में आ जाओ, ठीक में रहो, अगर मौलानाओं के जो बयान सामने आए हैं और आपके मौलाना खलील जो रजा आदमी के हैं, मैं उनको लेकर भी सवाल आपसे पूछूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे बताइए संजीव उनियाल जी, ये लामबंदी क्यों हो रही है धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ? मुझे अनंत ऐसा लगता है कि संवेदनशील मुद्दा है इसको, चूंकि हम सब लोग मिलकर रहते हैं और एक संघ के जो वरिष्ठ अपने कार्यकर्ता हैं, जो अपने संघ प्रचारक हैं और संघ के सरसंघ चालक हैं, अनंत वो क्या कहते हैं, हम सबका डीएनए एक है। हर एक मस्जिद में से आप शिवलिंग मत ढूंढिए, तो राष्ट्रीय समसेवक संघ का क्लियर कट पक्ष यह है। परंतु
अगर कोई धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह के संत अगर कुछ कहते हैं तो एक्सट्रीमिटीज दोनों तरह की जो है ठीक नहीं है, ना ज्येष्ठा ना कनिष्ठा, ना कोई बड़ा है यथर्वेद कहता है, ना कोई छोटा है, इवन मध्य मासो अनंत त्यागी कोई मध्य में भी नहीं है जी। सी सभी लोग समान हैं, किस तरह का दर्शन, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा ना कोई मध्य में भी, हम सब समान हैं। और हमारा के जो धर्म गुरु हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का डिफेम करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि भाई अगर मुस्लिम युवकों को खुला छोड़ दिया जाए तो कोई संभाल नहीं पाएगा। एक और धर्म गुरु है वो कहते हैं कि भाई गजनवी ने जो किया सोमनाथ मंदिर तोड़ के वो सही किया। वही धर्म गुरु ये कहते हैं कि भाई राम मंदिर को गिराएंगे और वापस मुगल शासन लेकर के आएंगे, तो फिर एक्सट्रीमिज्म क्यों नहीं हुआ सर? ये बहुत खतरनाक है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास संजीव ने, ये वाकई बहुत खतरनाक है, बेहावे है। और मुझे लगता है कि सारे पैनलिस्ट किसी भी जाति से किसी भी पंथ के हो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि दोनों तरह के एक्सट्रीमिटीज से ये देश चलने वाला नहीं है। हमारे ही भाई हैं, घर वापसी का आमंत्रण है वो अलग विषय हो सकता है, परंतु ये विषय आज की डेट में ये है कि दोनों एक्सट्रीमिटीज से ये दोबारा से शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा ये देश, जिसको हमने विश्व गुरु की तरफ। आपने घर वापसी का जिक्र किया सूरजपाल, अब सवाल मेरा आपसे भी है कि पब्लिक डोमेन में ये सवाल उठ रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने घर वापसी की बात कही और ये प्रमाणित किया कि जो लोग धर्म बदलना चाहते थे, वापस हिंदुत्व को अपनाना चाहते थे, वो उन लोगों की सहायता उन्होंने की। जो लोग घर वापसी को लेकर के सहमत नहीं हैं, वही लोग ऐसे हैं जो कि झंडा बुलंद कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ। आप सहमत है इस बात से? देखिएगा मौलाना साहब जो बोल रहे थे ना कि हिंदुस्तान इनके बाप का है, मौलाना साहब 100% सत्य करें, बाप का है हमारा हिंदुस्तान, हमारे बाप का था, हमारे बाप का है, हमारे बाप का ही रहेगा। आप लोगों को धर्म के आधार पर दे दिया पाकिस्तान, आप इस देश में रह रहे हैं, आपका सम्मान हो रहा है। हाँ। आपको सभी साथ नहीं, धर्म के आधार पर सूरजपाल अब बंटवारा हुआ था, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान को चाहते थे, जो लोग हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, उन लोगों ने चुना हिंदुस्तान में रहना। त्यागी जी कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, यह धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, हिंदुस्तान का 100 करोड़ से अधिक हिंदू कह रहा है कायदे में रहे, कायदे में रहे। आपका सम्मान नहीं हो रहा है क्या? आप देश आपको दे नहीं रहा है क्या? देश आपको सम्मान नहीं दे रहा है क्या? देश आपको माथे पर बिठा रहा है और आप सर पे चढ़ के डांस करना चाहते हैं क्या? जी ठीक है सूरजपाल, मुझे आपका जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं चलूंगा कलीमुल्ला हाफिज के पास। देखिए देखिए मोहतरम, इस तरीके की धमकियां टीवी चैनल पर बैठ करके मत दो। हमारे बाप का है, हमारे बाप का था, हमारे बाप का रहेगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता और ऐसा सीने पीटने से कुछ नहीं होता। हमारा तुम्हारा भी इसमें, हमारे बराबर के जो गए वो चले गए, वो साथ में अपनी जान लेके गए, हम यहाँ के नागरिक हैं और रहेंगे, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। तुम में अगर है संभल के रहो, कुछ भी है, कभी इसके खिलाफ आप मत बोलना, ये धमकी देने की जरूरत नहीं है। हमारा नहीं धमकी, ये धमकी देने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, मैं दोनों को एक सेकंड कादरी साहब मुझे ये बताइए बाकी लोग भी उनको कमेंट में ले लूं। कलीमुल्ला हाफिज साहब मुझे ये बताइए सर, अगर ये मुल्क सबका है तो बीच में फिर एक्सट्रीमिज्म की बात कहां से आ जाती है? मुझे बताइए, कोई कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, कोई कहता कि नए साल का जश्न मनाना हराम है, कोई कहता कि मुस्लिम युवकों को अगर छेड़ दिया गया तो कोई संभाल नहीं पाएंगे, तो एक्सट्रीमिज्म कहां से आता है ऐसा अगर मुल्क सबका है तो? देखिए मोदी जी ने अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इसी तरह के लोगों के लिए नसीहत की, जिस तरह के टीवी पे ये जो अनर्गल बयान और धमकी दे रहे हैं अम्मू, इनके लिए ही नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप बकवास टीवी पे करना बंद कीजिए, मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की जुबान आप इस्तेमाल ना करें। नहीं कलीमुल्ला हाफिज साहब, एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा सर, उसके बाद अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर कि वो ये जो सवाल है ये किसी धर्म के मानने वाले हर अनुयायी के लिए नहीं है, ये इस्लाम को मानने हर व्यक्ति के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कि जहर घोलना चाहते हैं, और वो सिलेक्टेड लोग बहुत छोटा पोर्शन है लेकिन इम्पैक्टफुल पोर्शन है वो। अकबरुद्दीन ओवैसी, सूरजपाल अम्मू लौट रहा हूं आपके पास, पहले हाफिज साहब अपनी बात पूरी कर ले। देखिए सूरजपाल अम्मू जैसे लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्लियर कट कहा है कि आप कौन सी इस तरह की बयानबाजी से बचिए, लेकिन ये लोग अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करते, अपने नेता की इज्जत नहीं करते, अब इनको क्या
कैसे एक्सप्लेनेशन का कॉल करेंगे, ये तो मोदी जी बताएंगे। दूसरी बात, अब मुझे एक बात बताइए, कलीमुल्ला हाफिज मुझे एक बात बताइए, जिस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आप इस वक्त हैं, उस पार्टी के आलाकमान के बयानों को क्या आपने सुना नहीं है? अकबरुद्दीन ओवैसी हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, उनके बयानों को आपने नहीं सुना सर? उसी पार्टी से आते हुए आज आप ये प्रवचन दे रहे हैं कि उनके लिए संदेश आ गया? अरे भाई मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, आपके आका का प्रवचन है, नरेंद्र मोदी जी का प्रवचन है। अरे भैया अभी दूसरे और आका के नाम भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी है। स्वामी रामदेव ने कहा कल देश में धार्मिक उन्माद है, धार्मिक आतंकवाद फैल रहा है, इन्हीं के लिए कहा है स्वामी रामदेव ने। अब तीसरे नंबर पे आइए, 15 मिनट पुलिस को दे दो, खबर है जो बीजेपी ने पुलिस हटा दो, जब बीजेपी की मीटिंग प्रधानमंत्री हम अपने आप निपट लेंगे तो स्टेटमेंट से कैसे भागोगे मियां जी? हिंदू आतंकवाद इस बारे में बोलो ना, छाट तो छाट छल्ली बोले जिसमें 7200 छेद, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, इस बयान से क्या बोलोगे? कब तक भागोगे? अपनी परछाई में नहीं छोड़ सकते? हम क्या कहें? क्या कहता है आपका? ये तो कर्णी सेना के, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। कलीमुल्ला हाफिज जवाब दे दीजिए, सुनना है नहीं सुनना है? नहीं सुनना, सुन रहे ना सर, बताइए जी सर। देखिए आज की रिपोर्ट ये है कि जो डीजीपी की जो मीटिंग प्रधानमंत्री, एक सेकंड सूरजपाल अब्बू सुन करके जवाब दीजिएगा सर, पहले कलीमुल्ला हाफिज अपनी बात पूरी कर ले, मैं आपके पास लौट आऊंगा। हिंदू आतंकवाद इस वक्त पनप रहा है जो देश के लिए बड़ा खतरा है। एक सेकंड कलीमुल्ला हाफिज, अब मैं यहीं रोकता हूँ, मेरा सवाल यहीं से आपके लिए शुरू हो जाएगा। हिंदू आतंकवाद का शब्द कहां से आया सर? ये कौन सी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं? नहीं, कलीमुल्ला हाफिज मुझे बताइए कि हिंदू आतंकवाद का शब्द कहां से आया, कौन से रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, बताइए जरा। खतरनाक लोग, मैं रिपोर्ट का दे रहा हूं, 22 तारीख को जो डीजीपी की मीटिंग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ली थी। हाँ, उसमें डॉक्यूमेंट पढ़ लिया ना, डॉक्यूमेंट की कॉपी आपके पास होगी ना? ढूंढ लीजिए सर, मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूँ। विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड सर, विवेक श्रीवास्तव मुझे जरा जवाब दीजिए, विवेक श्रीवास्तव मुझे जवाब दीजिए कि अगर एक पक्ष ये कहता, एक सेकंड सूरज पालम, एक सेकंड में आ रहा हूँ सर, बाकी मेहमान भी उनके पास में जाने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। विवेक श्रीवास्तव मुझे बताइए कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा सेक्शन ये कह रहा है कि भाई जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में आए तो तमाम एजेंडेधारी लोग लग गए धीरेन्द्र शास्त्री को गलत फैलाने के लिए, उसमें मजिस्ट्रेट सामने आए, आपने देखा होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रिक्स कर रहे हैं आके, सब लोग फेल हो गए। अब जो मैं लोगों का ट्रेंड पढ़ रहा हूं, का कहना यह है कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता से विचलित होकर के, या घर वापसी की जो मुहिम धीरेन्द्र शास्त्री ने चलाई उससे विचलित होकर के, उनके पीछे एक समाज लग चुका है। क्या विवेक श्रीवास्तव स्वीकार करते हैं इस बात को? मैं इस बात को नहीं मानता। मेरे हिसाब से कोई भी धर्म हो, उनियाल जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि साहब एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स आर रॉन्ग, और मुझे तो हैरानी है, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ कि प्रधानमंत्री भी परेशान थे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि भाई अनर्गल चीज है, अनर्गल डिबेट्स और अनर्गल तरह की चीज है, दोनों तरह से नहीं होनी चाहिए। ठीक बात, वरना आप फॉरवर्ड देखिए, आप कंट्री को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, यहाँ आप डिबेट की क्वालिटी में तू मैं चल रही है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, तो अभी क्या दिखा रहा है हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? वीरेंद्र शास्त्री अगर धर्मगुरु के रूप में रहते हैं आप रहिए साहब, लेकिन वो धर्मगुरु नहीं रहे ना, पॉलिटिकल, वो तो बीजेपी के पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं, वो 26 साल के हैं, मुझे नहीं पता कितनी उनमें मैच्योरिटी की बात है, और कहीं ना कहीं से नाउ ही स्टैंड टू टर्न पॉलिटिकल। आसाराम बापू के कोई 9 करोड़ कोई 13 करोड़ फॉलोअर कहता था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी भी जाते थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाते थे, मैं नहीं कहता था इनमें कोई गलती होगी, लेकिन बाद में जब वो बीजेपी से थोड़ा अलग हुए तो सारे जिलों का पर्दाफाश हुआ, राम रहीम को बेल दी गई है, राम रहीम को बेल दी गई है, हरियाणा में इलेक्शन आ रहा है, तो ये चीजों से हमें बचना है, इसमें चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो या हिंदू धर्मगुरु हो। तो विवेक श्रीवास्तव, अब मैं जो आपने बहुत कायदे की बात कही, ठीक बात है, आपने कहा कि सबके लिए चीजें समान होनी चाहिए, अब मुझे बताइए, मैं नाम लेता रहता हूं, बयान बताता रहता हूं, विवेक श्रीवास्तव उसके बारे में क्या कहेंगे? साजिद रशीदी हैं, अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि राम मंदिर को तोड़ेंगे फिर मुगल शासन लाएंगे, विवेक श्रीवास्तव का टेक क्या? मैं उनसे, वो थे मेरे साथ, हम इकट्ठे इस डिबेट में थे, इस प्रश्न को उठाया गया, मेरा ये मानना है कि इस देश का मुसलमान इतना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन से अवॉइड करता है। साजिद रशीदी के बारे में विवेक श्रीवास्तव क्या बोलेंगे सर? मेरा सीधा सवाल है, संक्षेप में आप उत्तर दे सकते हैं? और मैं सीधा ही बोलता हूँ, मैं डिप्लोमेटिक आदमी नहीं हूँ, स्ट्रेट बोलता हूँ, आप सुन लीजिए, बताइए। ये आया कि राम मंदिर बनेगा, वहां पर कोर्ट का वर्डिक्ट आया, इस देश के सभी हिंदुओं ने उसको माना, एक्सेप्ट किया, बेशक कुछ के दिल था कि वहां मस्जिद बने, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान दिया, हिंदू भाइयों को सम्मान दिया, वर्डिक्ट को सम्मान दिया, कैसा कल्चर है सर? आपने सारी बातें बता दी, ये बोलते हुए कि मैं सीधा बोलता हूँ, लेकिन सीधे नहीं बोले विवेक श्रीवास्तव आप।
भैया इक्के दुक्के धर्म गुरु के कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता। वीरेंद्र शास्त्री जो मर्जी बोलने। अरे सर साजिद रशीदी का नाम लेने में ऐतराज क्या है आपको? उनका दूसरा बयान बताता हूँ मैं आपको। साजिद रशीदी कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर को तोड़कर गजनवी ने सही किया। गलत है उनका बयान। कोई भी चीज ऐसी तो कंडम कीजिए ना उनको कि मैं साजिद रशीदी के खिलाफ खड़ा होता हूँ। इनका यह बयान गलत है। वो बयान देकर के जहर घोल रहे हैं। कहिए इस बात को आप। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वीरेंद्र शास्त्री का बयान भी गलत है, हिंदू राष्ट्र वाला। लेकिन गलती क्या होती है कि हमारे देश में मीडिया और सरकार सिलेक्टिव हो जाती है। जी हिंदू राष्ट्र आप सिलेक्टिव हो रहे हैं तो लोग ताले पीटते हैं, इसीलिए मार्जिनलाइज हो रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आऊं आपके पास विवेक श्रीवास्तव। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज लगातार बने हुए हैं। चक्रपाणी महाराज, पब्लिक डोमेन में सवाल यह भी आ रहा है कि भाई हिंदू एक सनात एक ऐसी संस्कृति जो कि डेमोक्रेसी से चलती हो, एक ऐसा देश जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो, वहां पर धर्म के नाम पर देश मनाने की चर्चा उठी क्यों? नहीं देखिए अनंत जी, इस बात को समझना होगा कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है यहाँ पे लोकतंत्र दिखाई दे रहा है। जहां जहां हिंदू कम हुआ है आप देखिए कि वहां की हालात क्या हो गई। अब आप देखिए ना, पाकिस्तान में जाके पूछिए ना कि वहां पे हिंदुओं की अल्पसंख्यकों की क्या हाल हो। आप अफगानिस्तान में पूछिए ना किस तरह से वहां पे मार मार के भगाया। बांग्लादेश में देखिए कितना 57 देश है इस्लामिक देश, जिसको इस्लामिक देश चाहिए उछले जाए इस्लामिक देश में। लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र अगर जो बनाना है तभी बनेगा, तभी देश में जो अनेक प्रकार की समस्याएं, चाहे समान नागरिक संहिता हो, चाहे अनेक जो ड्रेस कोड हो या जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये तभी रुकेगा। आप देखो ना, अभी जनसंख्या नियंत्रण पे बात होती है, एक वर्ग चिल्लाना शुरू कर देता है, हम तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो चले जाओ भाई जहां पे जाना चाहते। अभी देखिए अम्मू जी बैठे हुए हैं, अभी सूरज पाल जी बैठे हुए हैं, आपने सुन लीजिए मेरी बात भाई। उन्होंने कहा, आदरणीय सूरज पाल जी ने कहा कि भाई हमारे पूर्वजों का, हमारे बाप दादा का है। ये गलत क्या बात है भाई? ये तो सही बात है। हमारे बाप दादाओं ने कितना अपनी देश की आजादी के लिए अपनी सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मौलाना साहब कह रहे कि हमारे बाप का है, सवाल इस बात का है, आपके बाप पूर्वज आपके हिंदू ही थे। इनकार किसने किया? हमारे भी तो हमें इनकार जब होता है जब कहते तुम्हारा नहीं। हमने आपके बाप दादा को अपमान नहीं किया, बेइज्जती नहीं की, लेकिन ये कहा कि हमारे लोगों ने भी किया, हमने आपकी नहीं किया। इल्जाम हमारे ऊपर आते हैं, जब जवाब देते हैं तो हमको बोलते हैं आपको आपको ऐसा नहीं है। में अगर सम्मान वो नहीं करते हैं। मौलाना साहब बात सुन लीजिए। जी जी बताइए मौलाना साहब, बात सुनिए। अब अगर जो सुनिए सुनिए, अगर यहाँ आपको सम्मान मिल रहा है, अगर सब कुछ मिल रहा है, इस देश को मजबूत, आज ये कहा उत्पीड़न होता है फिर लंबी जाएगी। नहीं, लंबी बहस करने का मोटिव हमारा है, लंबी बहस हम लोग करेंगे, लेकिन इसी बीच मैं चाहूंगा सूरजपाल अम्मू अपना, सूरजपाल अम्मू जरा अपना टेक दे। सूरजपाल अम्मू बताइए, काफी वक्त आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर। एक सेकंड स्वामी चक्रपाणी महाराज, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। सर सर मैं एक सीधी सीधी बात कह रहा हूँ। त्यागी जी, मैंने मैंने कहा ये बता दें, क्या ये अकबर की औलाद है, ये बाबर की औलाद है, ये औरंगजेब की औलाद है, ये अलाउद्दीन खिलजी की औलाद है क्या? इनके बाप दादा को हम कहा ना, और भी कुछ आता है आप लोगों से? सुनो ना, सुनो ना, अरे हम क्या, अरे सुन तो लो भाई, अरे सुन तो लो, जो कायदे की हो, जो भलाई की हो वो करो। अच्छा सुन लीजिएगा, एक सेकंड जबरुल कादर सुन तो लीजिए, आप उनके उनके जहन में कोई सवाल है जबरुल कादर, तो सुन का जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको 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 जवाब देने की पूरी आजादी है। जबरुल कादरी आपको जवाब देने की पूरी आजादी है, और उतनी आजादी जितनी की बाकी पैलेस को है। एक एक करके जबरुल कादरी, एक एक करके जबरुल कादरी, आपको किसी बात से इनकार होगा, आपको किसी बात से एतराज होगा, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, मेरा वादा है आपसे सर। लेकिन एक एक करके बात, भाषा की मर्यादा कोई पैनलिस्ट नहीं लागेगा, लेकिन सबकी बात जरूर सुनेंगे। कादरी आप गौर से सुने, आपके मौलाना ने कहा ये जो चाहे कर ले, इनके बाप का हिंदुस्तान है, इनके बाप की सरकार है। हाँ हमारे बाप की सरकार है ना, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने नरेंद्र मोदी का देश का प्रधानमंत्री बनाया है। देश का प्रधानमंत्री ने बीजेपी को वोट दिया था क्या? बीजेपी को वोट दिया था सर। हालांकि इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया जाता कि आपने किसको वोट दिया कि नहीं दिया, लेकिन जबरुल कादरी भाई ये मान रहे ऑन एयर कि बीजेपी के सपोर्टर वो हैं और इंशाल्लाह देंगे। तुम्हारे तना नहीं है,
हमने डंडे की चोट पर माला देकर के इज्जत के दाम भेजा है और भेजेंगे। उम्मत को होगे तुम्हारे वो हमारे भी है, हमारे रहेंगे। सींचा, इज्जत भी दी, वकार भी दिया, हस्मत भी दी। ये मजहब के नाम की तालियां बंद कर दो। इज्जत के साथ आओ, अफियत के साथ आओ। तुम्हारे बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है? इन चीजों में कुछ चर्चा को इस बाप दादा चर्चा को इस लेवल पर लेकर हम लोग नहीं जाएंगे सर। किसके बाप का नाम, परदादा का नाम, दादा का नाम क्या था, उस चर्चा को उस स्तर पर लेकर हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक सेकंड कादरी साहब, एक सेकंड सूरजपाल अम्मू, ये जो बयानबाजी है, जो ऐसे बयान है, वो सिर्फ मौलानाओं या बाबाओं तक सीमित नहीं है। इसी में जो राजनीतिक लोग हैं वो भी अपना एजेंडा सेक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अलग अलग पार्टी में घूम करके वापस सभा में पहुंच गए हैं, वो कई धर्मों की आलोचना कर रहे हैं। सर काटने का बयान देने वाले लोगों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमला बोला और एक और विवादित साथ में बयान दिया। ताजा बयान क्या है, पहले वो सुनवा देता हूं, फिर लौट रहा हूं चर्चा पर। ये सारे के सारे संत महाधर्माचार्य, अजात विशेष के लोग आतंकवादी हैं, महाशैतान हैं या जल्लाद हैं, खुद बताएं क्या है। ये सारे के सारे संत महाधर्माचार्य, अजात विशेष के लोग आतंकवादी हैं, महाशैतान हैं या जल्लाद हैं, खुद बताएं क्या है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बयान आपने सुन लिया। आप संजीव उनियाल जी, पहला रिएक्शन में जानना चाहूंगा आपसे कि समाजवादी पार्टी के ऊपर तो पहले से प्रेशर था कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर एक्शन लीजिए, लेकिन वो तो बयानबाजी से अपने आ नहीं रहे, तो क्या बैकअप है क्या आला कमान का? मुझे लगता है कि मार्जिनलाइज हो जाती है जब पॉलिटिकल पार्टी सब पॉलिटिकल है तो लगता है कि बौखला जाते हैं। वो पॉपुलैरिटी देख के योगी की, अपने स्टेट में नहीं, भारतवर्ष में नहीं, उनके चुनावी जो लगते हैं भाषण जब लगते हैं तो एक तरफा जो है वोट डल जाता है, और संसार में ग्लोबलाइज करने के लिए इकोनॉमिक जो अपने लिए लेकर आते हैं स्टेट के लिए, तो लगता है कि सबसे बौखला चुके हैं ये। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एसपी का जो कहने के बाद भी उल्लंघन कर रहे हैं, तो हो सकता है अनंत त्यागी किसी नई पार्टी में जाने का रास्ता ढूंढ रहे हो कि मुझे बर्खास्त करो, मैं दोबारा से किसी और पार्टी में जाने के बाद बीजेपी में आ गए, फिर सपा का दामन थाम लिया, उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी बची है? कांग्रेस में मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं जाने के लिए। पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है, परंतु ये लग रहा है कि जब एसपी की बात नहीं मान रहे, एसपी लगता है कि आज ऐसी स्टेज में नहीं है। किस तरह के एक्सट्रीमिस्ट को अपने यहाँ पर समा पाए। ठीक है। विवेक श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव बताइए जरा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा के ऊपर विवेक श्रीवास्तव का ऑनेस्ट कमेंट क्या है? मेरा ऑनेस्ट कमेंट बड़ा स्ट्रेट बोलता हूं मैं। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो पॉलिटिकली आने वाली राजनीति में दलित पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बड़ी सीधी सी बात है। हालांकि उनका स्टेटमेंट बड़ा एक्सट्रीमिस्ट था, थोड़ा रूड था, भाषा सही नहीं थी, लेकिन एजेंडा बिल्कुल ठीक था। सदियों से एजेंडा ठीक था, एजेंडा ठीक था। वो संतों को आतंकवादी कह रहे हैं, वो साधु संतों को जल्लाद कह रहे हैं, साधु संतों को शैतान कह रहे हैं, और विवेक श्रीवास्तव को एजेंडा ठीक लग रहा है। श्रीवास्तव की पोल खुलती है, वोट कर रहे हैं क्या? चाइना के साथ खड़े हो जाने वाली पार्टी, चाइना से फंड्स लेने वाली पार्टी, आज इसीलिए मार्जिनलाइज हुई है। हिंदू समाज पर अटैक करने वाली पार्टी आज क्या स्टेज है? तुम्हारी क्या स्टेज है? पॉलिटिकल स्टैंड क्या है तुम्हारा? उसी दलितों में से मुसलमान बने, उन्हीं दलितों में से ईसाई बने। समस्या आपको मुसलमानों से नहीं है, समस्या आपको दलितों से है। समस्या ये है, ये नया पॉइंट ऑफ व्यू लाए आप, मतलब हमारे भाई को ये कह रहे हैं कि दलित मुसलमान है। चर्चा की शुरुआत में आपने कहा कि भाई सबको साथ जोड़ने की जरूरत है, और चर्चा का बीच आते आते आप खुद कैटेगराइजेशन करने लग गए कि कौन किससे क्या चाहता है। आप अपमान कर दी समाज की, और खतरनाक तरीके से समाज की चीड़फाड़ करने का दायित्व कम्युनिस्ट पार्टी का है। मैं संजीव विवेक श्रीवास्तव जी, हो गया ठीक है, आपने सीधा कमेंट नहीं दिया सर, आपने बात को घुमा के वापस से अपना एजेंडा आपने लागू कर दिया। मुझे बताइए स्वामी चक्रपाणी महाराज कि क्या संत आतंकवादी हैं, क्या संत शैतान हैं, क्या संत जल्लाद हैं? देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन इस तरह से कभी श्री रामचरित मानस पे प्रश्न उठा रहे हैं, और हद तो तब हो गई जब कुछ संतों ने, कुछ भगवान राम के भक्तों ने जब उसकी कटाक्ष किया, उस पर टिप्पणी किया, तो उसके बाद उलट होकर के जिस प्रकार से अमर्यादित टिप्पणी इन्होंने किया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, बहुत ही निंदनीय है और राजनीति के गिरता हुआ स्तर है। और ये घृणा दिखाई दे रहा है कि संतों के प्रति, हिंदुओं के प्रति कितनी घृणा भरी पड़ी है कि जो आतंकवाद कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, शैतान कह रहे हैं, जल्लाद कह रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और हमें लगता है कि
चकवाणी महाराज, मुझे बाबा रामदेव का कल वाला बयान याद आ रहा है जो कह रहे थे कि भाई सनातन के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, क्या उसी का हिस्सा तो नहीं बन गए स्वामी प्रसाद मौर्य? बिल्कुल अनंत जी इसके लिए एक लाइन का शेर है कि एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है उठे कहां से। बागेश्वर धाम हो या स्वामी रामदेव जी हो या किसी संत को जल्लाद कहे जाना हो, जिसमें भी प्रश्न भगवादारियों पे उठाया जा रहा है, ये मात्र ये तो बहाना है, सनातन धर्म हिंदू तो निशाना है, इस तरह से हिंदू सनातन पहुंचाया जाए एक धड़ा ये चाहता है कि कैसे, क्योंकि हिंदुस्तान अगर जो मजबूत है तो संतों के बल पे है, सनातनियों के बल पे है, और इसीलिए शंकराचार्य नहीं बनाई होती आज भारत का स्वरूप नहीं होता। लेकिन उसको तोड़ने के लिए अनेक शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां लगी हुई है, लेकिन देश के सभी लोग एक चकवाणी महाराज मैं वापस लौटूं, जनरल कादरी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात के बाद मैं चलूंगा हाफिज साहब के पास। जनरल कादरी एक सेकंड मेरे श्वास से, एक मिनट। देखिए मौर्या साहब का जो बयान है बहुत गलत, निंदनीय है, और इनकी बेटी आज भी बदायूं से बीजेपी की एमपी है, बीजेपी पार्टी को उन पर करना चाहिए अटैक, उनको पार्टी से बाहर करें। और ये जो चूंकि जब बाप ऐसा तो बेटी कैसी होगी, उनको क्यों सीने से लगा बैठे यहां, मुझे आपत्ति है तरीके से इनको अलग कीजिए, अगर ऐसा कोई कह देता तो ये गलत है, इसलिए कि इनके खिलाफ जब बाबा को कातिल सब बोल रहे हैं। नहीं नहीं यार, मुझे जबरन कादरी आपत्ति है कि पिता की करनी बेटी क्यों भरे, मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए कि पिता की करनी बेटी क्यों भरे सर, पिता ने जो बयान दिया तो बेटी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि पिता वैसे तो बेटी भी वैसी होगी। उनकी जमानत पे थी, एक चैनल पे बोल रही थी कि इसका विषय नहीं है, इसका है, तो उनको साफ अपने बाप की मुखालफत में आना चाहिए कि बाबाओं के हिंदुस्तान के ऐसा मुखालफत में उनकी बयान गलत दिया ना, मुखालफत में है, अरे तो हमारी मुखालफत स्वामी प्रसाद में है कि नहीं है तो ये बतलाना चाहता है कि नहीं है मुखालफत में है कि नहीं है, क्या होगा है कि नहीं है, एक तो सीने से लगा बैठे हो, हाँ या नहीं है सर, दो बात, हाँ या ना, अनंत नहीं बता, तो समाजवादी के मुकाबले खिलाफ हूं, कादरी साहब इनके भी खिलाफ, कादरी साहब दो बातें मैं कहूंगा। पहले आपने बोला कि आपने 100 करोड़ के अलावा आप भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक व्यक्ति को मोदी को वोट दिया, एक वोट से क्या होने वाला था, परंतु आपने दिया पूरा एमपी बना के दिया, पूरा एमपी बना के दिया, पूरा एमएलए बना करके दिया, और तुम लोग खाली वोट दिया के ना दिया, तीन डूबते हो, हमने पूरा एमपी एमएलए दिया, पिता की बात कर दिया, आपके बाप दादा की कोई बात नहीं, पुरानी बातों की जरूरत नहीं है, नई बात लाओ, बाप दादा क्या इन बातों से तरक्की नहीं होगी, ये बांटने की बात है, तुम लोग हिंदुस्तान की तरक्की नहीं चाहते, इन चीजों में कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं होगा, एजेंडा 24 मिनट में खोल दिया, एक सेकेंड, हमारा आपके एजेंडे के खिलाफ हमारा एजेंडा नहीं है, जो मोदी जी का एजेंडा वही हमारा है। सवाल पूछा था जब कादरी, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की मुखालफत आप करते हैं कि नहीं करते हैं, आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, जवाब दिया तो कलीमुल हाफिज साहब मैं जाना चाहूंगा आपके पास, कि अब से कुछ देर पहले जो सूरजपाल अम्मू ने कहा था कि जबरुल कादरी को कि भाई आपके पिता कौन थे, हालांकि उस बात का मैंने विरोध किया, उस बात का जबरुल कादरी ने भी विरोध किया, लेकिन बात आती है किसी और के ऊपर निशाना साधने की, तो पिता का खून बेटी में दौड़ रहा है तो उसके लिए चरित्र भी वैसा हो जाएगा, तो क्या दोहरा मापदंड नहीं है क्या? तो ये भी जवाब दे देंगे अपना, तो कलीमुल हाफिज बताइए जरा भाई, जरा इनको सबको खामोश कर दिए वरना कोई फायदा नहीं है, आप कोई किसी की बात सुन भी नहीं पाता है। देखिए पहले तो आपने जो मुझसे कहा कि मैं अपना ट्वीट बता रहा हूं कि अभी आज जो है जो बीबीसी ने कहा है वो आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, जिसमें कहा है देश में कट्टरपंथ बढ़ा रहे हैं हिंदू संगठन, पुलिस अधिकारियों ने बताया ये प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को। एक सेकंड, तो मैंने बता दिया, पहले तो आपको करेक्ट कर दूं सर, आप ही के शब्दों को मैं आपको वापस याद दिला देता हूं, आपने बात की थी हिंदू आतंकवाद, आपने कहा था कि हिंदू आतंकवाद वहां कोट किया गया, और मैंने आपको यही चैलेंज दिया था सर कि अगले 5 से मिनट दे रहा हूं, बल्कि मैं आपको 10 मिनट दिए ये ढूंढने के लिए कि किस रिपोर्ट में हिंदू आतंकवाद का जिक्र किया गया, मैंने आपके ट्वीट का जिक्र नहीं किया सर, जिस रिपोर्ट का आपने हवाला दिया था तो मुझे वो रिपोर्ट बता दीजिए, बढ़ा रहे हैं हिंदू संगठन, ये क्या हुआ आतंकवादी है सर, ये लाइन तो दिग्विजय सिंह ने शुरुआत की थी, और दिग्विजय सिंह की शुरुआत करने के बाद दिग्विजय सिंह की राजनीति कुछ भी जवाब है, मुखर रखती थी वक्तव्यम, मुंह में जो आगे बोलोगे
अरे टॉप के 10 टेररिस्ट कौन है भाई? इन्हें छुपाने की जरूरत नहीं, एक मुस्लिम थे, अब हिंदुओं को आतंकवादी कहते हो, कोई फायदा नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको, माफी मांगिए, एक सेकंड माफी मांगिए, माफी मांगने को मुझे दीजिए सर, एक सेकंड, एक सेकंड, संजीव उनियाल साहब धमकी दे रहे हैं कि कायदे में रहिए, आप हिंदू आतंकवादी कहते हैं, आप झूठी आतंकवादी बात मत दोहराइए, और इसी को कलमुल हाफिज अब शांति के साथ एक सेकंड सूरजपाल मुंह एक एक करके बात करते हैं, कलमुल हाफिज जरा, कलमुल हाफिज अब एक सेकंड सर, अब सिर्फ कलमुल हाफिज पहले बोले एक मिनट के लिए, कलमुल हाफिज अब थोड़ा शांत होकर दोबारा सवाल सुनो, आपने अपने पहले कमेंट में मुझे कहा था कि हिंदू आतंकवाद शब्द का जिक्र आपने किया और आपने किसी रिपोर्ट का हवाला दिया, उस रिपोर्ट के बारे में संभवतः मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है ऐसी कोई रिपोर्ट हो, मैंने आपको 5 मिनट का वक्त दिया कि भाई आपके पास 5 मिनट है, 5 की जगह मैंने तकरीबन 12 मिनट बाद आपके पास मैं लौटा हूं, आपके पास क्या रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें हिंदू आतंकवाद का इस्तेमाल किया गया, खबर है आपने आपने मुझे किसी रिपोर्ट का हवाला दिया सर, मैंने आपको बता पीएम के सामने कोई रिपोर्ट दी गई थी, मुझे बताइए ना हिंदू आतंकवाद कहां लिखा है, वेबसाइट से हटा ली गई, हिंदू आतंकवाद कहां लिखा है सर, गृह मंत्री को सौंपी थी, हिंदू आतंकवाद कहां लिखा है सर, उसमें लिखा हुआ साहब देश में कट्टरपंथ बढ़ा रहे हैं कई हिंदू संगठन, हिंदू आतंकवाद कहां लिखा है, बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, हाफिज साहब हिंदू आतंकवाद कहां लिखा है, मुझे बताइए सर, जिस पार्टी के नाम में, देखिए मैं नाम पे जाता नहीं हूं, हालांकि जिस पार्टी के नाम नाम से सेक्युलर चीजें गायब हूं, आप बात करेंगे फिर सेक्युलरिटी की, आपकी पार्टी का एक सेकंड सर, आपकी पार्टी आपकी पार्टी जो है सर AIMIM उसका पूरा नाम क्या है, बीजेपी वालों को और इन्हें बेकार बुलाते हैं, हाफिज साहब एक सेकंड, आप नहीं बताएंगे ना सर किसको किसको मैंने बेहतर बुलाया, किसको बेहतर किसको बेकार बुलाया, आप नहीं बताएंगे, मेरा ही अधिकार क्षेत्र मेरा है सर, और उसी हक के साथ उसी सम्मान के साथ आप भी आमंत्रित हैं जिस हक के साथ बाकी लोग, नहीं तो आप मुझे बताइए सर कि AIMIM की फुल फॉर्म आपकी क्या है, खबर बता रहे हैं पुलिस अधिकारी की खबर बता रहे हैं, आपकी फुल फॉर्म क्या है, आप समझा दीजिए मुझे कट्टरपंथ का, हाफिज साहब मैं तो कह रहा हूँ सर AIMIM की फुल फॉर्म क्या है, कट्टरपंथ मैं आपको अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के बयानों के साथ समझाऊंगा कि क्या होता है, सीख लूंगा कट्टरपंथ की परिभाषा क्या होती है, दूसरे धर्म का अपमान क्या करना क्या होता है, ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं असदुद्दीन ओवैसी हैं, मैं दोनों के बयानों के साथ आपको बताऊंगा, उससे पहले जरा दर्शकों के सामने प्रकाश डालिए कि AIMIM का फुल फॉर्म क्या है, मुझे अब छोड़ने वाले हैं हाफिज साहब, मैं कह रहा हूं कि AIMIM का फुल फॉर्म क्या है, बात पुलिस पुलिस ऑफिसर हाफिज साहब AIMIM की फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या है आप समझा, हाफिज साहब आपकी पार्टी का पूरा नाम क्या है, उसे छोड़िए आप, नजर मत सर, अभी कलमुल हाफिज साहब आपकी पार्टी का पूरा नाम क्या है, मंत्री की हम चिंता करने का आप मत करो सर, आपकी पार्टी का पूरा नाम क्या, बिलावजह की बातें कर रहे हैं, बिलावजह की बातें क्यों सर, सही बात करनी, बिलावजह की बातें क्यों, चले ठीक है आपको बिलावजह की बातें कर रहे हैं, बातें लग रही है, आप फुल फॉर्म मैं बताता हूं सर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शिकायत कर रहा है गृह मंत्री सर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही है, आप बता दीजिए, अब मुझे बताइए कि पार्टी के नाम में खाली एक धर्म की बात होती है और उसके प्रवक्ता आकर के सेक्युलरिज्म के ऊपर ज्ञान बांटते हैं, पार्टी के नाम से कुछ नहीं होता, आपका नाम अनंत त्यागी है तो क्या आतंकवाद फैलाएंगे, नाम गलत है, एडमिट कर लिया इन्होंने अनंत त्यागी, नाम गलत है, चलो नाम चेंज कराओ, चलो नाम चेंज कराओ, दो माफिया मांग लो, करीमुल साहब, करीमुल साहब आपकी पार्टी सही हो गलत हो मेरा कोई उसमें एजेंडा नहीं है, मेरे कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है उसमें बताने का, मैं तो मेरा तो खाली सवाल ये था कि जब पार्टी का नाम आपका एक धर्म विशेष के तौर पर प्रतिबंधित है तो फिर सेक्युलरिज्म की बातें करना क्या दोहरा मापदंड लोग समझे कि ना समझे, खुद भी आप खुद बता दीजिए, जरा ये बताइए शिवसेना के आतंक फैलाती है, सर शिवसेना के प्रवक्ता से पूछेंगे, आप अपना बताइए, शिवसेना का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं शिवसेना का प्रवक्ता नहीं हूं, शिवसेना की मेंबरशिप मेरे पास है, कैसी बातें कर रहे हैं अपना बताइए, हम चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी, बिल्कुल है सर, इस बारे में कोई दोहराई नहीं है, मैं कह रहा हूँ सर आप बिल्कुल चुनाव आयोग से, आप चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं, इस बारे में कोई शक नहीं है, आपको लोकतांत्रिक अधिकार है आपकी पार्टी को चुनाव लड़ने का, इस बारे में कोई शक नहीं है, आयोग हमें मानना है तो आप कौन होते हैं, मैं तो सर मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर, सवाल मेरा नहीं है, आनंद मुझे बोलने दे रहे हैं जरा प्लीज, आतंकवाद कहेंगे ना, ठीक है अच्छा, इस बात का जवाब करते कादरी साहब हाफिज साहब सोचिएगा, इसलिए पार्शियल इन्फॉर्मेशन सुनिए, वापस आ जाऊंगा, संजीव उनियाल कुछ कहे उससे पहले सूरजपाल मुंह बताइए जी, सूरजपाल जी, अरे सर जिस पार्टी ने देश का बंटवारा किया, जिन्ना साहब जिस पार्टी के मुखिया थे उसी पार्टी को फॉलो करते हुए AIMIM कट्टर सरकार दूसरा प्रतिबिंब
दूसरा मसला कलीमुल साहब, कलीमुल साहब, आप सूरजपाल अम्मू, आप सूरजपाल अम्मू, अगर सूरजपाल अम्मू आपको आतंकी दिखता है तो आप कुरान पाक का पर हाथ रख के कसम खाएं, पंजाब में राजनीति छोड़ूंगा जी। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बोले तय कर ले, देश तय कर ले, आप अगर हम आपको आतंकी दिखते तो बोले आप, ये हमारा नाम आतंकी। मुझे बताइए सर कि सेकुलरिज्म की जो परिभाषा को जो लोग बताते हैं उनसे कम से कम ऐसी उम्मीद करें कि भाई वो लोग खाली धर्म के लिए काम नहीं कर रहे, खाली धर्म विशेष के लिए काम नहीं करते हैं, ये उम्मीद तो करना बीमारी नहीं है। देखिए जो भी सेकुलर की इत्तेहाद की इत्तेफाक की बात करता है और फिर उसके बाद में बात कहने के बाद में फिर कुछ कर देता है तो वो सेकुलर इत्तेहाद इत्तेफाक की बात नहीं रह जाती। जो दिल में है वही जबान पे है, जो जबान पे है वही दिल में रहे। हम हर एक के लिए जरूरी है, मैं बगैर किसी सियासी लाइन के अपनी लाइन कहना चाहता हूं, हम तो यही चाहते हैं और ये दिल से चाहते हैं कि नहीं के साथ दिखावा हो। हम सारे लोग, सारे मजहब के लोग अपने अपने मजहब पर कारामद मजबूती के साथ रहे, कोई किसी के ऊपर छींच छाट बदहदी वो ऐसा है वो ऐसा है तानो तशनी ना करें, अपने और अपने धर्म पर रहें, जितना हो सके हिंदुस्तान की गरीबी को दूर करने के लिए काम करें, इत्तिफाक से रहें। अच्छी बात आपने जरूर गांधी साहब कही, लेकिन मुझे बताइए जरा कि आपकी सोच के लोग इतने कम क्यों हैं? जनरल कादरी मुझे बताइए कि जनरल कादरी की सोच के लोग इतने कम क्यों हैं? क्योंकि हम तो उम्मीद करके बैठे थे जब सर तन से जुदा किनारे लग रहे थे एक बड़ा हुजूम सड़कों पर खड़ा हो जाएगा जो किसी मुखालफत करेगा, लेकिन मुझे बहुत चुनिंदा सर उंगलियों पर गिनने लाख लोग सामने आए, तो आपके सोच के लोग इतने कम क्यों हैं? देखिए सोच के, देखिए हर एक का जज्बा अलग होता है। राष्ट्रवाद फिलहाल सर इतना ही सर, अब सीधा आपको रुक करते हैं, दिखाता हूं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक डॉक्यूमेंट्री पर जो हंगामा हो रहा है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीरें यूके नॉर्थ कैंपस में छात्रों का हंगामा शुरू हो चुका है, पुलिस ने 24 छात्रों को हिरासत में ले लिया। दरअसल स्क्रीनिंग को लेकर के ये छात्र हंगामा कर रहे थे, नॉर्थ कैंपस की 8 फैकल्टी में स्क्रीनिंग को लेकर ये हंगामा हो रहा है। हंगामा करने वाले छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के नहीं है, ये बात चीफ प्रॉक्टर की तरफ से कह दी गई। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, टाइम्स ऑफ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, डीयू से ये लाइव तस्वीरें हैं। डॉक्यूमेंट्री पर हंगामा होना शुरू हो चुका है, इससे पहले आपने डॉक्यूमेंट्री पर हंगामा देखा था जेएनयू में, उसके बाद आपने तस्वीरें देखी जामिया मिलिया इस्लामिया की, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की तस्वीरें जो कि सामने आ चुकी हैं, जहां पर डॉक्यूमेंट्री को लेकर के ये हंगामा हो रहा है। कई छात्र आपको वहां पर मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ छात्र स्टेज पर खड़े हुए हैं और नारेबाजी वहां हो रही है। हमारे सहयोगी अमित गौतम इस वक्त वहीं पर मौजूद है, अमित बताइए जरा क्या हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं स्थिति बता दूं, जो मैं इस वक्त दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में हूं और यही देखिए मेरे पीछे ये आपको गेट नजर आ रहा होगा, इसी के अंदर कई छात्र हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन को लेकर थे, उसी को लेकर हंगामा हुआ। हालांकि प्रशासन ने उनको पकड़ लिया और पिछले भी आ चुके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर है जन एनएसवाई के, जो पुलिस ने डिटेन किया गया था, जो कि करीब 24 छात्रों को डिटेन किया, लेकिन अभी भी अदर अदर संगठन मतलब अलग अलग संगठनों से छात्र यहां पर आ रहे हैं और लगातार स्क्रीनिंग को लेकर लगातार वो कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि पुलिस बल कितना फोर्स यहां पर तैनात है। आप देखिए जहां आपको तस्वीर में नजर आ गई भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया है, क्योंकि यहां पर कुछ ज्यादा बड़ा बवाल ना हो, छात्र एक एजुकेशन सेंटर है, यहां पर कुछ ज्यादा बवाल ना हो इसी को लेकर। हालांकि हमने देखा कई दिनों से एबीवीपी वाले छात्र संगठन या एनएसओ या कई छात्र उनके बीच में झड़प देखने को मिली, क्योंकि एबीवीपी लगातार स्क्रीन दिखाने को लेकर विरोध कर रहा है। हालांकि यहां पर इंडिया में बैन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के तस्वीर माध्यम से के अंदर कितनी सैकड़ों की संख्या में छात्र हैं, लेकिन यहां पर प्रशासन और पुलिस बार बार पकड़ के लाती है और कुछ कुछ गुटों को लाकर और अंदर डिटेन करती है। हालांकि कई छात्र दिल्ली में यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किए गए, लेकिन अभी भी कई अंदर छात्र मौजूद है और लगातार वो प्रदर्शन करते हैं तो उनको बार बार डिटेन किया जाता है। जो छात्र भी मैं बता दूं, जो संगठन है वो फेनेट्री और भीम आर्मी का संगठन मौजूद है, इससे पहले एनएसयूआई था जो कि उन्हें डिटेन कर लिया गया था, लेकिन अभी इनको भी डिटेन किया जा रहा है क्योंकि ये लगातार स्क्रीन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो थी गुजरात को लेकर उसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उसी को लेकर स्क्रीनिंग को लेकर वो यहां कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसको रोकने के लिए यहां पर सब कुछ इंतजाम किए गए हैं। जी अमित मुझे बताइए कि जो नारेबाजी वहां पर हो रही है वो क्या है और डीयू का जो प्रशासन है उनका क्या कहना है? छात्र अगर डीयू के नहीं तो कौन है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो प्रशासन है वो जो अभी 24 डिटेन किया था, डीयू ने छात्रों से बोला गया कि ये यहाँ के नहीं थे, बाहर के अदर के छात्र थे, लेकिन हाँ
कुछ छात्र थे जो एनएसयूआई के थे, जो बाहर की तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ रहे थे, दूसरी जगह से आए थे, जो उनके दोस्त थे या कुछ साथ में जो संगठन के आदमी है वो थे। लेकिन कुछ छात्र भी ऐसे हैं जिससे हमने बात की काफी, जो डिटेन करके पुलिस ले गई, उन्हीं को हमने पकड़ा, उन्हीं को बात करी, तो उन्होंने बताया कई छात्रों ने कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही पढ़ते हैं और हम यहाँ पर, कोई बता रहे थे कि हम बैचलर ऑफ आर्ट से हैं, आर्ट फैकल्टी के, कोई बता रहा हम लॉ फैकल्टी के, तो कई ऐसे संगठन थे जो इस यूनिवर्सिटी के थे, लेकिन कुछ छात्र भी ऐसे थे जो आउट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे। तो देखिए मिलकर जो इस तरह से बवाल चल रहा है जगह जगह पर, वो लगातार सिर्फ एक छात्रों को लेकर, एक संगठन है वो उसी को लेकर, स्क्रीनिंग को लेकर बवाल चल रहा है। यहाँ पर तस्वीर भी आप देख रहे होंगे कि अंदर ये आर्ट फैकल्टी है और इसके अंदर कई संगठन के छात्र हैं जो कि स्क्रीनिंग को लेकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका विरोध भी लगातार देखने को मिल रहा है और यहाँ पर काफी ज्यादा पुलिस बल तैनात है क्योंकि कुछ ऐसा माहौल ना बन जाए कि संभालने। देखिए यहाँ पर भी काफी ज्यादा फोर्स और कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी के बाहर की कुछ भी ऐसा उपद्रव ना हो और स्क्रीनिंग को लेकर, स्क्रीनिंग अगर करते हैं तो उनको तुरंत डिटेन कर लेती है पुलिस। अभी थोड़ी देर पहले ही 4 बजे करीब एनएसयूआई और कई छात्र आए, उनको पुलिस ने डिटेन किया जो कि करीब 24 छात्र, लेकिन बीच बीच में अब फेनेट्री संगठन के छात्र अंदर और भीम आर्मी के जो संगठन के बिल्कुल अमित आप हालात पर नजर बनाए रखिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास इस मामले में और अपडेट के लिए। बड़ा शुक्रिया आपका, छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौट रहे हैं वापस।